आज हम बात करेंगे शनि के गोचर की। शनि का गोचर इस वर्ष होने वाला है 29 अप्रैल 2022 का। ये दिन बहुत ही अहम है क्योंकि अगर देखा जाए शनि का जो गोचर होता है लगभग 2.5 वर्ष बाद होता है, और लास्ट जो गोचर देखा गया था शनि का वो देखा गया था 24 जनवरी 2020 में। तो 24 जनवरी 2020 के बाद अब 2022 में लगभग 2.5 वर्ष बाद जो है शनि अपनी चाल बदल रहे हैं और कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो शनि की कुंभ राशि ही मानी जाती है, मकर और कुंभ शनि की ही राशि मानी जाती है, दोनों राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं। मगर जब शनि कुंभ राशि में आते हैं तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी इनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कि वृश्चिक राशि के जातकों पर इस समय पर क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2020 में ही वृश्चिक राशि के जातकों को शनि की 7.5 की प्रभाव से छुटकारा मिला है। तो ये 2.5 वर्ष जो है थोड़ा आप लोगों का कष्टकारी नहीं रहा होगा, इस दौरान नुकसान नहीं हुआ होगा, यानी अगर देखा जाए तो ये समय आप लोगों का बेहतर रहा होगा। मगर फिर से एक बार इस शनि के गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों पर थोड़ी कठिनाई, परेशानियां, चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि आप लोगों की आरंभ हो रही है शनि की ढैया। अब शनि की ढैया आरंभ हो रही है तो कहीं ना कहीं ये समय जो रहेगा आप लोगों के लिए कठिनाई भरा रह सकता है, आप लोगों के लिए ये समय जो रहेगा कहीं ना कहीं चुनौतियों भरा रहेगा। अगर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें रुकावटें आना बिल्कुल तय है, क्योंकि शनि जो है हमेशा हर्डल्स देना, हमेशा स्टॉपेज लगाना या धीमी गति से काम कराना इनका कार्य होता है। वहीं पे इस समय पर अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको क्रोध अत्यधिक आएगा, तो क्रोध पे नियंत्रण रख के चलना है। अपने क्रोध आने के कारण आप किसी भी व्यक्ति को अपशब्द बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। अब अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। वहीं पे हर एक चीज का ध्यान रख करके चले कि आप कोई गलत निर्णय ना लें, क्योंकि इस दौरान जो है आप गलत योजनाएं बना सकते हैं, यानी आपकी तरफ से तो वो योजना ठीक होगी मगर उसका फल जो है आपको प्राप्त नहीं होगा या फिर शुभ प्राप्त नहीं होगा, या आपको थोड़े टाइम बाद लगेगा कि इस समय पर आपने एक गलत डिसीजन लिया था। तो इसीलिए योजनाओं बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी दिक्कत परेशानी आ सकती है। क्रोध और वाणी पे नियंत्रण रख के चलिए। जीवन साथी का ध्यान रख के चलिए। इस दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी शनि की ढैया जो है प्रभावित कर सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जिस वजह से हो सकता है सेहत एक कारण हो या आर्थिक स्थिति एक कारण हो, बीच में मन मुटाव आप लोगों के उत्पन्न हो सकते हैं अगर आप विवाहित हैं तो। वहीं पे लव रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दौरान ब्रेकअप होने की संभावना या अन्य तरह की परेशानी आने की संभावना बिल्कुल तय है, तो इसलिए ध्यान रख करके चलिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं पर भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जब शनि वक्री होंगे मकर राशि में जून में 2022 में और जनवरी 2023 तक ये वक्री अवस्था में मकर राशि में रहेंगे, तब कहीं ना कहीं आपके जीवन में इसका प्रभाव जो है कम हो जाएगा शनि की ढैया का, जिस समय पर आपके काम जो है वो बनेंगे, आपको हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और इस दौरान आपको राहत महसूस होगी। तो कहीं ना कहीं ये समय आप लोगों का लगभग 6 से 7 महीने का काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, मगर जनवरी से आने वाले समय तक के लिए, यानी जब तक शनि अपनी चाल बदल करके मीन राशि में नहीं आते, तब तक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतिम में उपाय की, तो वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हनुमान जी की उपासना करना, क्योंकि आपके राशि स्वामी भी मंगल ही है, और अगर शनि का कोई भी दुष्प्रभाव होता है तो मंगलवार को पूजा करना हनुमान जी की, शनिवार को हनुमान जी की पूजा करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। तो इसीलिए हनुमान जी की पूजा करना ना छोड़ें। अगर शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, अननेसेसरी विवाद क्रिएट हो रहे हैं, तो बजरंग बाण का पाठ करें। वहीं पे अगर संभव नहीं भी है किसी भी वजह से, अगर आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कर पा रहे हैं या नियमित रूप से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो दिन में कभी भी संभव हो तो सुबह के समय या फिर शाम के समय संध्या काल में आप एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। ऐसा करने से शनि के दुष्प्रभाव भी कम होंगे, आपका क्रोध भी घटेगा, आपका मंगल भी जो है मजबूत होगा। इसके अलावा शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम शंख शनिश्चराय नमः
मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपको जीवन में तरक्की और खुशहाली मिलेगी और शनि के दुष्प्रभावों से आपका बचाव भी होगा। फिलहाल के लिए आप सभी दर्शकों से लूंगी इजाजत। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। तो अगर आपके या आपके मित्र की या आपके किसी भी रिश्तेदार की धनु राशि है तो जरूर देखिए कैसा रहेगा ये शनि का गोचर धनु राशि के जातकों पर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री राधे। लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।